हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गोपियों के मन की बात मन में क्यों रहेगी। चलिए तो देख लेते हैं। दोस्तों, गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। दोस्तों, गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर ब्रह की पीड़ा को वे इस आशा से सह रही हैं कि जब श्री कृष्ण लौट कर आएंगे तब जो शिकायतें हैं वह श्री कृष्ण मतलब उनसे कह लेंगी तथा उनके दर्शन पाकर उनके पास रहने का आनंद प्राप्त कर लेंगी। परंतु जब कृष्ण स्वयं न आकर उद्धव को भेज देते हैं तथा कृष्ण को भूलकर योग अपनाने को कहते हैं तो उनकी सभी आशाएं टूट जाती हैं, अर्थात उनके मन की बात मन में ही रह जाती है। तो दोस्तों, अगर हम लोग प्रश्न समझने की कोशिश करें तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि दोस्तों गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर ब्रह की पीड़ा को वो इस आशा से सह रही थी कि जब श्री कृष्ण मथुरा से लौट कर आएंगे तो उनके मन में जो श्री कृष्ण के प्रति जो भी शिकायतें हैं वह श्री कृष्ण से कहेंगी और उनके दर्शन पाकर उनके साथ रहने का आनंद प्राप्त कर लेंगी। परंतु जब कृष्ण खुद न आए और उन्होंने उद्धव को यह संदेश लेकर भेजा कि वह कृष्ण को भूल जाए, वह योग अपना ले, तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों को जब गोपियों ने सुना तो दोस्तों उनकी मतलब आशाएँ टूट गई, जो भी उनकी आशाएँ थी, और उनके मन की बात मन में ही रह गई। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करना, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करें ना।